नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप सभी प्रिय दर्शकों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब रुख करते हैं आज की खास खबरों की तरफ। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर के विकास खंड कोयलसा में उप जिलाधिकारी दिनेश मिश्रा की अध्यक्षता में महिलाओं और बेटियों को मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, यूपी 112, लैंगिक अपराधों से बालिकाओं का संरक्षण, पॉक्सो एक्ट, महिला के अधिकारों, कानूनों व साइबर क्राइम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके बाद मुख्य अतिथि ने एंटी रोमियो स्क्वायड जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खंड विकास अधिकारी अखिलेश मिश्रा द्वारा महिला डिग्री कॉलेज में बालिकाओं के लिए आत्मसुरक्षा प्रशिक्षण देकर जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है। इस अवसर पर महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए जागरूक किया। प्रचार वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। भारतीय परंपराओं में नारी की पूजा करने का प्राविधान है। मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति स्वरूपा मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व आत्मनिर्भर बनने के लिए विभिन्न विभागों के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में रैली निकालकर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया। दिशा निर्देश पर मिशन शक्ति कार्यक्रम में सखी वन स्टाफ सेंटर के नेतृत्व में आंगनबाड़ी की उपस्थिति में बालिकाओं को जागरूक किया गया। रैली निकालकर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के प्रति भी लोगों का ध्यान आकृष्ट किया गया। सुरक्षा शपथ, भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगी। मैं अपने बच्चे को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगी और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगी। जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहती हूँ, उसी प्रकार मैं अपने बेटे को भी अनुशासन में रखते हुए उसकी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगी। जय हिंद। जय हिंद।